So hi guys, welcome back to my channel. This is Vela here and thank you so much for watching my video. So दोस्तों, जैसे कि बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि वेला प्लीज़ आप डेली ब्लॉग बनाइए, अगर जितना हो सकेगा मेरे से तो मैं पक्का मैं ब्लॉग डेली बना के लेके आऊँगी, बट आई कांट क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है, इसलिए मैंने काम वाले को मना कर चुका है। तो मेरे से जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आऊँगी, जितना मेरे से हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे घर पोछा लगाना होता है, बच्चों को खाना देना होता है, बच्चों का पोटी साफ करना होता है, एक बच्चा नहीं है, छः छः बच्चा है, और खुद के लिए खाना बनाना होता है, कपड़े धोना होता है, तो बहुत सारा ऐसा काम है जिसके वजह से ब्लॉगिंग में भी बहुत कम बनेगा मेरे से। लेकिन मैं जितना हो सकेगा मैं ट्राई करूँगी ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि ब्लॉगिंग भी ऐसे इजीली नहीं बनता है, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए भी एडिट करना होता है वीडियोस को। सो लेट्स सी, मेरे से जितना हो सके मैं आप लोग के लिए ब्लॉग लेके आऊँगी। और अभी सुबह का 10 बजा है और सॉरी, नीचे कुछ काम चल रहा है तो थोड़ी आवाज़ आ रही है। सो सुबह का 10 बजा है और मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। नाश्ता में मैं खाई हूँ कैलॉग्स, जिसमें मिक्स नट्स आती है दूध के साथ। नाश्ता कर चुकी हूँ मैं और बच्चों को भी मैंने नाश्ता दे चुका है, तो अभी मैं आप लोगों को मेरे बच्चों से मिलवाती हूँ। ओके, ये है ग्रेट ऑन, इसके बाल तो देखो यार, बाल बांधना है तुम्हारा। और इसके बेड के अंदर से आई है ग्रेवी, और ये है ग्रेटी। हाय ग्रेटी, ग्रेसी, ग्रेली, ग्रेवी। आराम से यार, दर्द हो रही है मेरे को, अभी नाखून लग रही है, काटते हैं तुम लोग का नाखून को। हाँ और दोस्तों, मैं आप लोग को ग्रेट हो इधर आ। ओके दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, मैंने इस सोफा को ऐसे उल्टा यार बदमाश मत कर यार। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने सोफा ऊपर ऐसे क्यों रखा है, क्योंकि ये लोग सुसु ना करे सोफे के ऊपर चढ़ के, तो इसलिए मैंने सोफा ऊपर रखा हुआ है। तो ग्रेट ऑन, तुम्हारा बाल अभी बालना है, ठीक है। चल ग्रेट ऑन, बाल बांधना है, सिट लो। कोई बदमाश नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं, ग्रेवी डिस्टर्ब नहीं, ग्रेट ऑन नो, ग्रेवी नो, ठीक है। ग्रेट ऑन, बाल बांधना है ना, हैंडसम होना है ना बेटे, एक सेकेंड। चल कम साइड डाउन, ग्रेवी नो ना, ग्रेवी नो, बस नहीं ना, डाउन।
ओके सो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरी बेबीज को जो छोटी छोटी क्यूटी क्यूटी पाई है। ठीक है, मम्मा इसकी पोटी साफ कर रही है। और ग्रेटोन, तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? क्यूटी क्यूटी बच्चे को क्यूटी क्यूटी साफ कर रही है। आप हो गए ना हैंडसम बॉय ग्रेटोन, गुड बॉय ना, हैंडसम बॉय हो गए आप। और ये देखना यार, दीवार कैसा हो गया, कलर अभी तो पेंट किया था, ये पता है क्या हो गया, ये बारिश की वजह से पूरा प्रॉब्लम हो गया वो। और अभी मैं बारिश इतना हो रही है ना, तो इसका जो ग्रीन कलर का मैट है मैंने ये बाहर रखा हुआ है, मतलब ऊपर सुखा के रखा हुआ है ग्रीन कलर का मैट को, नहीं तो यहाँ पे पूरा वो हो जाता। अभी मैंने वो निकाला है तो ये पूरी ड्राई हो जाएगी आराम से। और व्हाट हैपेंड, ये है ग्रेमी मम्मा जो बन गई है, और ये ग्रेसी, ये बहुत केयरिंग पर्सन है ये ग्रेसी, ये अपने बच्चों की पोटी मतलब साफ करती रहती है और बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से। और ये केज को मैंने अभी खुला रखा हुआ है क्योंकि ये लोग का पानी वो लोग वहाँ पीती है बॉटल से, और यू कैन सी अभी वो पानी पीने ही जा रही है। सो ऐसे पानी पीती है ये लोग। और ये ऐसा नहीं है कि आप लोग मत सोचो कि केज रखा हुआ है तो ये अपनी डॉगीज को केज पे रखती है, नहीं, ये मैं केज, ये लोग जब रात को सोती है तो ये केज पे जाके सोती है। ये मैंने केज के ऊपर ये ऊपर सा छोटा सा ये नेट वाला वो लगवाई है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये लोग का जो सुसु होती है ना, तो ये लोग का जो सुसु सीधा नीचे फ्लो करते हैं और ये ट्रे में आ जाती है, और यू कैन सी तो ये जो ट्रे में आ जाती है और इजीली वॉश कर सकती है ये लोग सुसु को। और जो पोटी होता है उसको इसके मम्मा ही साफ करती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कपड़े क्यों नहीं रखा इसमें, क्योंकि ये बच्चे लोग को कपड़े नहीं पसंद, मैं कपड़े रखी थी लेकिन ये लोग कपड़े में नहीं सोते, ये लोग आआपस में ही लपेट के सो जाती है, गर्म आपस में ही मिल जाती है, तो इसी वजह से मैंने कपड़े नहीं रखी हूँ। और ये मैंने फ्रिज छोड़ दिया है और ये लोग अभी थोड़ा चलने जन गया है, और इसकी मम्मा हमेशा इसके क्लीन करती है, पानी पी रही है ग्रेटोन। और इसकी एक आदत है, ये अपनी एक टेडी बियर को इसकी मनपसंद है उसको लेके चूसते रहेगी, पता नहीं क्या मजा आता है उसमें, ये ऐसे ही। पता नहीं इसकी फेवरेट टेडी बियर है और ये इसको कभी भी छोड़ते नहीं है, ये इसके साथ बस ऐसे ही मुंह लगा के इसको पकड़ के रखेगी, कभी छोड़ेगी नहीं। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को वॉश करके दिखाती हूँ मेरी सोपा, और मेरी बच्चों ने कितने मेरी सोपा का बुरी हालत कर दिया है, क्योंकि मेरी जो सोपा है ये लोग अभी छोटी है, और जो मम्मा है ग्रेसी और ग्रेमी नहीं करती है, जो बाकी के जो चार बच्चे हैं ये अभी छोटी है, सो ये को इतना आइडिया नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अभी हम लोग को इसको ट्रेनिंग देना है ना। तो जो सोपा है, सोपा में ये लोग ने चढ़ के उसमें सुसु कर दिया और उसमें पोटी कर दिया, तो बहुत गंदगी ये लोग ने मचा दिया था सोपा में। तो अभी मैं सोफा को साफ कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा कि मैं सोफा को कैसे साफ करती हूँ। पहली बात तो मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है, और दूसरी बात
साफ सफाई करने में मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी ये सोफा को बालकनी कैसे लेके जाएंगे, तो मैंने वॉचमैन को कॉल कर दिया है, तो वॉचमैन अभी ऊपर आएंगे और ऊपर आके वो मेरी हेल्प कर देंगे कि वो सोफा को बाहर बालकनी में रखने के लिए। तो उसके बाद मैं सोफा को जब वॉश करूंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे वॉश करती हूँ, ठीक है? सो आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। बेबी तुम्हारी फेवरेट हो ही है क्या? तू इसको छोड़ ही नहीं रही है, क्यों, क्या हुआ ऐसा? पता नहीं कोई जन्म, नेक्स्ट जन्म का शायद कुछ था होगा ये दोनों के बीच में। और सो दोस्तों, यू कैन सी माय सोफा, मैंने सोफा को यहाँ रख दिया है क्योंकि ये जो इसको मैंने ऊपर इसलिए किया है, यू कैन सी, क्योंकि इसलिए मैंने ऊपर किया है ताकि मेरी बच्चा भी इसके ऊपर ना उठे और यू नो इसके ऊपर सुसु ना करे। तो अभी मैं इसको प्रॉपरली मतलब ये लोग को सिखाऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है बच्चों को, और ये लोग को बाहर ही करना होता पोटी। सो आप ये देख सकते हो मेरी ये बच्चे, ये अभी बाहर आई है। सो ये सुसु कर रहा है अभी, तो ऐसे ही ये लोग को धीरे धीरे यू नो आदत डालना होता है। यू कैन सी ये लोग अभी बालकनी में यू नो करना चालू कर देगा पोटी और सुसु जो भी है। तो अभी आप वो देखो, ये अभी बाहरी पोटी करेगा। यू कैन सी, है ना? सो ये लोग को ऐसे ही आदत लग जाएगा। यू कैन सी अभी पोटी करके अभी घर के अंदर आ गई। वेरी गुड, ग्रेट ऑन, मम्मा का गुड बेबी है ना, गुड बेबी ना, गुड बेबी ना, आप लोग अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, बदमाश नहीं करते। वो देखो। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलिएगा। सो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती रहूंगी। ओके, सो आज के लिए बस यही तक, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो बाय बाय।